होली मुबारक रंग लगाने वालों को भी और रंग बदलने वालों को भी। हैप्पी होली। हेलो गाइस, मैं लीना स्वामी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लीना में स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ शुरू करती हूँ आज का हमारा न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ होली का फेस्टिवल किस तरह से हमारे गाँव में मनाते हैं। ये देखिए, नकली की हेयर विग लगाई हुई है मैंने। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बच्चे भी सब रेडी है। पहले हम पूजा करके आएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे खाना, जो कुछ भी बनाना है, पूड़ी सब्जी। आज मौसम बहुत ठंडा है, देखिए कितना ठंडा मौसम है। मैं आपको दिखाती हूँ, मौसम बहुत ठंडा है गाइस आज। जैसा कि गाइस आप सभी जानते हो, भारत बहुत ही विविधता भरा देश है और यहाँ पर हर एक फेस्टिवल की अपने तरीके होते हैं मनाने के, और सब जगह पर इसे अच्छे से तरीके से अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। होली का त्यौहार भी इसी तरह से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, हर्ष के साथ, रंगों के साथ। और होली से मतलब फाग से एक दिन पहले जो होलिका की हमारे यहाँ पर पूजा की जाती है, उसमें ये जो गोबर के बने हुए बड़कूले होते हैं इनको चढ़ाया जाता है। होली से तकरीबन 10 दिन पहले ही हम इन्हें बनाकर सुखा कर रख लेते हैं और होली वाले दिन इसकी जो है कि माला बनाई जाती है और फिर इसी माला को हम वहाँ पर चढ़ा कर आते हैं जब जहाँ पर हम होलिका माता की पूजा करने जाते हैं। अब मंजू और मीनाक्षी बड़कूले की माला बना रही है। माला बनाने के बाद ये टांग देगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई है, चांद, सितारे, डमरू और बेलन और पता नहीं और क्या क्या है। आपके यहाँ भी बनाए जाते हैं क्या बड़कूले? मुझे कमेंट में बताइएगा और देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा कैसे हमारे गांव में हमने होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। और जैसे कि आप सभी जानते हो, होली का त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में ही मनाया जाता है। और इस दिन जो कि आप सभी भी अच्छे से होली को मनाइएगा, अच्छे से खेलिएगा और बाकी शुभकामनाएं आप सभी को होली की। बने रहिएगा ब्लॉग में। कौन परसू है? कौन परसू आओगा? हाँ भाई जी, तो इतनी बढ़िया वो करी तो ले गया था मेरे पापा। भी माला ले ले भाई, दे 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 माला की अपनी। अरे सारी तो ले ले, साइकिल में टांग ले। देख इतना पड़ेगी तो है। क्यों बुला ला तेरे निकाल दी पहले चलो। आ जाओ जाओ जाओ।
कौन सी सेब का लगाया है? आलू चुगले आलू चुगले साइल खाओगा आलू रिजू केड़े चुगले सारा काफा अरे का केड़े क्या नहीं बस साइल बोला गुड़ है साइल है चुगले बाबा का बोरा बेटी चलो जाखना कर लो तो मार दो इकट्ठी करी कराई फेंक दिया आपने तो भैया इतना फेंक दी ऊपर खान लो और किसे की है ये तूड़ी आड़ी ले ले बच्चे का काम है ना दिन की दो बोरा जो तीन खान में द्वारे बरे हम की मारी कर आटो काट दो मंजू आगे अपनी अपनी के अपनी अपनी है मंजू अपनी है ठाली पूजा करते टाइम आपके गांव में कैसे बनाते हैं गाइस कमेंट में बताइएगा कैसे बनाते हैं आपकी घर पे होली अपनी है हाँ यार मुझे पकड़ी है पकड़े पकड़े क्या
गाइज अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ, चूल्हे पर बना रही हूँ पूरियाँ, गैस पर जो कि इतनी अच्छी नहीं बनती है और बनाने में भी दिक्कत होती है, खड़े खड़े बनाने पड़ता है गैस पर सब कुछ। तो अभी मंजू मेरी हेल्प कर रही है पूरियाँ बनाने में, और बाकी चीज़ जो हलवा है और सब्जी है वो मैं बना के आई थी। ज़्यादा मिठाई वगैरह नहीं मंगवाती हूँ मैं फेस्टिवल पे, क्योंकि मिठाई ज़्यादा खाने से जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, घर पर ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो देखिए आप किस तरह से हम सब मिल कर के काम कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से मिल बाँट करके काम करने में और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में। तो बस अब पूरियाँ बनने वाली है और उसके बाद हम जा रहे हैं घर पे। तो गाइस देखिए मैंने बनाया है हलवा, पूरी और सब्जी, ठीक है। तो गाइज आपने देखा हमने किस तरह से होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया, और अब हम खाना खा रहे हैं मैं और मंजू मिलके। देखिए आप भी खा लीजिए हलवा पूरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। बाय बाय।